हुकम के चलते हुए मैं यहाँ आया और मैंने ये इस दफ्तर का समर्पण इनको किया। और ये दफ्तर जो है ये कड़ी है, भाजपा के विस्तार की कड़ी। वो कड़ी जो हमारा हमेशा एक मकसद रहता है कि जो विचारधारा, भाजपा की विचारधारा, जो राष्ट्र के हित की विचारधारा है, उस विचारधारा को हर घर तक पहुँचाएँ, हर जगह तक पहुंचाएं, उसी विस्तार की कड़ी में इन्होंने ये दफ्तर खोला। और मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहां। राणा जी, जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन का इनिशियल रिपोर्ट ड्राफ्ट आया और कयास एंड कन्फ्यूजन है पूरे जम्मू कश्मीर में, किस तरह से आप देख रहे हैं? कयास एंड कन्फ्यूजन किस चीज़ का, ये मुझे नहीं मालूम है। डिलिमिटेशन कमीशन एक गैर जानबदाराना अदारा है। डिलिमिटेशन कमीशन एक बॉडी है जिसकी सदर, जिसकी चेयरपर्सन एक सबका जज हैं सुप्रीम कोर्ट की। उन्होंने तथ्यों के आधार पर कुछ फैसले किए होंगे। रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, ना मैंने देखी है, इसलिए मैं रिपोर्ट पे कोई कैसराय नहीं कर सकता। जब रिपोर्ट पब्लिक होगी तो उस पर बात की जा सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमलावर है इस वक्त भाजपा पे और मरकजी हुकूमत पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद ये चाहती है कि उनके घर में बैठ के रिपोर्ट बने तो वो है। अगर रिपोर्ट हर एक को उसके हक का दिलाना चाहती है, और अगर रिपोर्ट एक गैर जानबदाना तरीके से अपने तथ्यों पर बनी है, तो फिर किसी को क्या एतराज़ होना चाहिए? जो 1996 की डिलिमिटेशन कमीशन थी उसमें बहुत गलतियां थी और बहुत लोगों को अपनी नुमाइंदगी नहीं मिली। अगर जम्मू संभाग को 6 सीटें मिली तो उनको एतराज़ हुआ। वो जम्मू कश्मीर को एक हिस्सा नहीं समझते हैं? वो क्यों अलग बांटने की कोशिश कर रहे हैं? और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर भाजपा जो है, हम जम्मू कश्मीर के हर वर्ग को, हर संभाग को बराबरी का हक देने के हक में है। और ये जो फैसला डिलिमिटेशन कमीशन का है, इसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है। ये गैर जानबदाराना तरीके से की गई, ये किसी पार्टी की रिपोर्ट नहीं है, ये एक कमीशन की रिपोर्ट है। और कमीशन जो कि एक सबका सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबा जिसको हेड कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, अकबर लोन साहब और जस्टिस मसूदी उसमें हिस्सेदार हैं। और मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने इस रिपोर्ट का इस्तकबाल किया।